बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रोज़न शामी कबाब। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दो अदद तेज पत्ते, दालचीनी के चंद टुकड़े, पिपली दो अदद, बड़ी इलायची तीन अदद, हाफ टी स्पून काली मिर्च, छोटी इलायची छः अदद। काला ज़ीरा हाफ टी स्पून, जावित्री दो चुटकी, 12 अदद लौंग, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया भर के, हल्दी एक टुकड़ा, नमक 1 टीस्पून, 10 अदद सुर्ख मिर्च, 1 अदद हम लोगों ने छोटा प्याज लिया है, दाल हमारी 500 ग्राम है, 1 किलो चिकन। तो चलें अब हम इसको बॉईल करते हैं। चने की दाल में हम लोगों ने प्याज डाल दिया, तो अब हम इसको बॉईल करते हैं। कुकर की सेफ्टी के लिए इसमें हम लोग 2 चम्मच घी डालेंगे। और अब हम इसको 25 मिनट के लिए बंद कर देंगे। और अब हम लोग चिकन को दाल में ऐड कर देंगे। हरा धनिया सुर्ख मिर्च को हम लोगों ने पीस लिया, तो इस पॉइंट पे आके हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च, और अब हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, और अब हम इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियां बनाएंगे। दो ढक्कन ही है, इसके ऊपर हम लोग शॉपर चढ़ा देंगे और शॉपर के ऊपर ऑयल लगाएंगे और टिक्कियाँ बनाएंगे।
और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर देंगे। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी कम पैसों में तैयार हुई हैं, तो तकरीबन हमारी टिक्कियाँ 65 हैं। तो देखिए कितनी रेशेदार हैं। तो अगर आपके रेसिपी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।